हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फिर आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, जैसे हम लास्ट वीडियो में दिखाए थे, बेसिक्स के बारे में बताए थे कि बेसिक्स उसका क्या क्या बेसिक्स है, उसके बारे में कुछ समझाने की कोशिश किए थे। उम्मीद कर किए हैं कि आप लोग समझे होंगे उसको। और आज के इस वीडियो में हम जो टर्म्स संबंधित है इसका चैप्टर से, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स सब आता है, तो उस टर्म्स के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। तो इसमें हम हेडिंग आज का आज के टॉपिक का हुआ कि टर्म्स रिलेटेड विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन सा टर्म्स रिलेटेड है इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। कुछ हम लिख देते हैं, उसको अलग अलग करके हमको फिर समझाना, उस पर टर्म्स पर डिस्कस करना। जो पहला बेसिक्स टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टर्म्स है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं इस हिसाब से, इसका नाम है सेंट्रल एटम या आय। दूसरा टर्म्स है, इसका नाम है लिगेंड्स, ठीक है। तीसरा टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में हम लोग सी एन कहेंगे इसको। और चौथा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी करके। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन करके। और सिक्स नंबर है, इसका नाम बहुत फेमस है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये हम लोग रेडॉक्स चैप्टर में भी पढ़े होंगे, निकालने का तरीका ही बताए थे, शॉर्ट में हम लोग ओएन कहेंगे इसको। और सेवेंथ में है एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आता है। और एट्थ में है, इसका नाम है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये आठ टर्म बेसिकली है। इसी आठ टर्म के दौरान कुछ नया टर्म्स भी आ जाएगा, जैसे डेंटिसिटी आएगा, चिलेशन आएगा, ये सारा टर्म्स इसमें डिस्कस हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें चैप्टर को, अगर बढ़िया से नॉलेज लेना है, इस टर्म्स के जानकारी हमको होना चाहिए। इस टर्म्स जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक इसके बाद का जैसे टॉपिक है, नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सारा टॉपिक ये है। उस सारे टॉपिक को समझने के लिए ये टर्म्स हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से सीखने का कोशिश करेंगे, हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग के लिए आया, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सेंट्रल एटम और ये आयंस, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आप स्पेशली इसको फिर नोट डाउन अपने नोटबुक में कीजिएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज सेंट्रल मेटल, बहुत जगह मेटल की जगह पर एटम भी दिया जाता है, बहुत जगह एटम नहीं देके आयन दिया जाता है, जो भी दिया है घबराने का जरूरत नहीं है, मोर देन वन वर्ड यूज कर सकता है एग्जाम्पल, उस पर डिपेंड है क्या यूज करना चाह रहा है। तो हम लोग पहले इसको समझिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होंगे इसमें हम दो चीज पर दो चर्चा कर रहे हैं। पहला, इसमें है क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तभी जब ये दो चीज के बीच में, दो स्पेसीज के बीच में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्पेसीज वन और स्पेसीज टू के बीच में ये रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब स्पेसीज वन क्या हुआ, टू क्या हुआ, स्पेसीज वन जो है उसको नाम दे, इसको एम सिंबल दे रहे हैं, एम फॉर जैसे जानते हैं, एम फॉर क्या हो गया मेटल। और स्पेसीज टू है वो क्या है, नॉन मेटल नहीं है, वो ऐसा स्पेसीज है जो
जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है इसका हम लोग नाम देते हैं एल। एल और नाम हो गया लिगेंड। देखिए यहाँ चर्चा हुआ लिगेंड का, वो लिगेंड आया। एम फॉर जनरली हम लोग एम रेफर फॉर स्किल मटेरियल से, एम इज मेटल है, एल फॉर एल इज क्या लिगेंड्स। तो अभी हमको जानना है कि मेटल क्या है। तो मेटल अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में वो पहला एटम है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, किससे एक्सेप्ट करता है, लिगेंड से एक्सेप्ट करता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, अगर वो मेटल अरेंज है जिस प्रकार अरेंज है, तो ये एल हुआ, ये भी एल हुआ, ये एल हुआ, ये एल, ये सभी एल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए बहुत जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक नाम दिया गया। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है आप जानते होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुइस व्हाट एसिड। आज जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या नाम है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका नाम है लुइस बेस। तो लुइस के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग ये कह दे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोडक्ट बिटवीन किसके बीच में, लुइस एसिड एंड लुइस बेस। और हम लोग जानते हैं जब एसिड और बेस कंबाइन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट। इसीलिए हम लोग बहुत जगह भी यूज किए थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किससे बना है, किससे बना, मेटल के साथ, किसके साथ, लिगेंड के साथ। तो व्हाट इज मेटल, मेटल वैसा स्पीशीज होना चाहिए जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेप्ट करेगा। और उसका कॉमन कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा क्या है, लुइस एसिड है, ये मेटल्स का कॉन्सेप्ट है। तो लिखने का जरूरत नहीं, समझना है। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल के तौर पर देख ले, कोई एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे अभी अभी चर्चा हुआ था HECN का प्रोसेस, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स अभी थोड़ा दिन पहले हम लोग लास्ट वीडियो में उसको हम लोग देखे, लास्ट वीडियो में जब इसको देखे थे तो इसमें देख रहे हैं दो चीज देख रहे हैं, एक आयरन देख रहे हैं, एक साइनाइड देख रहे हैं। तो जो ये आयरन जो हुआ ब्रैकेट के जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर वाला आइटम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम हो गया सेंट्रल एटर, है ना। और ये जो CN हो गया जो इसके बगल में है, इट इज कॉल्ड क्या, इट इज लिगेंड। ये लिगेंड हो गया, ये सेंट्रल एटम हो गया, और ये हो गया लिगेंड हो गया। इसी पर कोई भी कॉम्प्लेक्स किया, एग्जांपल 1 हुआ, एग्जांपल 2 आपको अगर कोई पूछे कि बताइए इसमें क्या है, CO है, NH3 का होल 6 है और यहां पर Cl3 है, लेकिन बता सेंट्रल मेटल कौन है, तो ऑब्वियसली ये CO है, CO इज क्या, ये कोबाल्ट हुआ, ये कोबाल्ट हमारा किसका काम किया, ये काम किया सेंट्रल एटम का काम किया, और ये किसका काम किया, ये काम किया लिगेंड का काम, ठीक है। अब इसके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप सेंट्रल एटम क्या है इसके बारे में आप जाने। एटम एक्चुअली मैट्रिक्स स्वभाव का होता है, तो बहुत जगह सेंट्रल मेटल भी चर्चा होता है, और ओवरऑल इस पर जो चार्ज भी आ जाते हैं, इस पर चार्ज आ जाएंगे निकालेंगे तो चार्ज, इसीलिए बहुत जगह चार्ज स्पीशीज को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इसलिए बहुत जगह नाम हुआ सेंट्रल आयन, बहुत जगह मेटलिक स्वभाव सेंट्रल मेटल, एटम तो सब है तो सेंट्रल एटम, तीन नाम से ये बेसिकली जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ें तो मेटल हम लोग जान गए सेंट्रल एटम क्या है, मेटल क्या है, सेकेंड पॉइंट है अब लिगेंड क्या है। लिगेंड के बारे में तो आइडिया आपको आ ही गया अभी अभी, व्हाट इज लिगेंड, लिगेंड क्या होता है। तो वैसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है किसको, सेंट्रल एटम को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। तो इसको सिंपली अगर लिखेंगे स्पीसीज दैट इज able to donate electron pair to central atom by forming coordinate covalent bond such species
is known as ligase. उस स्पेसिस का क्या नाम है? लिगेंड्स। जैसे अभी भी चर्चा किए हैं कि मेटल है और लिगेंड है, ये इसका घर हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। दो ही आदमी को परमिशन इस घर में रहने का, एक मेटल जो लेगा और लिगेंड क्या करेगा देगा। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं इसको डोनर है। तो निश्चित इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टर। तो ये डोनर होता है, तो स्पेसिस दैट एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा देगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जानती है ना कि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रोवाइड करता है, नॉन म्यूचुअल शेयरिंग होता है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये लिगेंड्स। अब प्रॉब्लम आता है कि लिगेंड्स बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुनने का, क्योंकि ये प्रोवाइडर हो गया। अब कितने तरह का प्रोवाइडर होगा, इस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी से लिगेंड से कुछ टर्म्स बनता है। लिगेंड से जो टर्म्स बनता है, ये टर्म्स क्या बनता है इसके बारे में जानिए। इसका टर्म्स का नाम है डेंटिसिटी। अब अगर ये डेंटिसिटी क्या होता है, तो डेंटिसिटी क्या होता है कि लिगेंड में जितने एटम, लिगेंड में जो एटम है जितने एटम हो, अगर वो सेंट्रल एटम को के द्वारा जुड़ जाए तो उसके संख्या को हम लोग कहेंगे डेंटिसिटी। फिर समझने की कोशिश कीजिए, लिगेंड्स में जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर है कि जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन पर एक माइनस क्लोराइड आयन, ये लिगेंड का काम करेगा। ये NH3 है, अमोनिया है, इस पर लॉन्ग पेयर। अगर मेटल को एक क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां पर एक अमोनिया मेटल को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा दे रहा है। फिर अगर हमारे पास ये ग्रुप आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है सबको, NH2 है। अगर ये ग्रुप ये ग्रुप है, अगर हम मेटल है, अब इसको यहाँ पर ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि दो एटम है, यहाँ पर दो एटम आ गए, तो यहाँ पर दोनों एटम एबल है देने के लिए, तो ये भी इधर से दे रहा है मेटल को, ये भी इधर से दे रहा है, तो दो दो एटम दे रहा है ना। तो जब दो एटम अगर मेटल को प्रोवाइड करे, तो हम लोग कहेंगे इसका आइडेंटिसिटी, पूरे का आइडेंटिसिटी कितना हो गया दो, इस अमोनिया का आइडेंटिसिटी कितने हो गया वन, इस क्लोरीन का डेंसिटी कितने हो गया वन। तो डेंसिटी को कैसे डिफाइन किए, डिफाइन किए व्हाट, कि द नंबर ऑफ एटम प्रोवाइड, एटम या एटम्स प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सच नंबर of atom या atoms is known as denticity। जैसे example के तौर पर देखें कि example इसका हो गया example वन, इसको हम लोग कहेंगे एक दे रहा है, एक को हम लोग कहते हैं unidentate। ये हुआ एग्जाम्पल टू, यहां पर हो गया एग्जाम्पल टू। ये देखे हैं ये दो एक साथ एक ही मिलके दो दे रहा है, दो को लोग कहते हैं डाई, नाम हो क्या क्या डाई डेंटेट डेंटेट लिगेंड, इसका नाम आप लोग बता सकते हो, ऑर्गेनिक में पढ़े हैं। तो दो कार्बन का है, दो कार्बन का क्या हो गया इथेन, और वन पर भी यही है और टू पर भी यही है, तो 1.2 डाई एमीन इसका नाम हुआ। और इसको शॉर्ट में
बहुत आपके एनसीईआरटी बुक में ईएन करके चर्चा किया हुआ ईएन इथेन 1-2 डाइएन ये डाइएन ऐसे प्रकार दो से ज्यादा अगर प्रोवाइड कर दिए उसको हम लोग क्या कहेंगे पॉलीडेंटेट कहेंगे जैसे अगर हम लोग ऐसे एग्जांपल नंबर 3 को अगर देखें एग्जांपल 3 अगर दो से ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट पॉलीडेंटेट लिखेंगे ये कैसे समझेंगे पॉलीडेंटेट में देखिए कि दो से ज्यादा जैसे एक कॉम्प्लेक्स है उसका एग्जांपल EDTA 4 माइनस शॉर्ट में नाम इसका पूरा नाम है इथाइल डाइएनिन टेट्रा एसीटेट ट्राइसिटेट इसका पूरा नाम और इसका स्ट्रक्चर इथाइल है दो कार्बन होगा तो ऑब्वियसली क्लियर है डाइएनिन है तो दो जगह एनिन होगा एन ग्रुप होगा और चार टेट्रा मींस चार एसीटेट ग्रुप है एसीटेट क्या होता है तो CH2 COO- है फिर CH2 है COO- है फिर दो एसीटेट हो चुका है दो एसीटेट आओ CH2 COO- है फिर CH2 COO- है आप देखिए यहाँ पर अगर मेटल को ही प्रोवाइड करना है मेटल है यहाँ पर तो एक साथ ये कितना प्रोवाइड कर रहा है देखिए इधर से ये माइनस इसको दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है ये भी इसको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ भी बढ़ा हुआ है ये भी प्रोवाइड कर रहा है ये भी प्रोवाइड कर रहा है चार अमोनिया एन पर लोन पेयर होता है ये भी प्रोवाइड कर रहा है इस पर लोन पेयर है ये भी प्रोवाइड कर रहा है तो कितना प्रोवाइड हो रहा है 6 प्रोवाइड हो रहा है इसीलिए हम लोग इसका नाम देंगे क्या इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड व्हाट इज दिस इट इज हेक्साडेंटेट EDTA मेरा कैसा आप बच्चों को सुनाता है कॉम्पिटिशन से मेरे को पूछता है इट इज हेक्साडेंटेट तो लिगेंड्स का पहला टाइप हम देख लिए लिगेंड्स में टाइप और डेंटिसिटी आया और कुछ और आएगा टाइप इसके बारे में फिर आपको बताते हैं कुछ टर्म्स और इसमें अभी ये देखे हैं डेंटिसिटी क्या होता है लिगेंड्स में एक बी टर्म आता है उसका नाम है चिलेटिंग लिगेंड्स ये पूछता कभी कभी कि व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड क्या है इसके बारे में बताइए या बहुत जगह टर्म में इसको चिलेट पूछ लेता है व्हाट इज चिलेट है ना जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड पर हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें भी चिलेट्स का फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है इसका जो कॉन्सेप्ट है चिलेट्स का ये से समझिए कि अगर वैसा लिगेंड्स हो जिसमें कम से कम दो एटम के पास लोन पेयर हो कम से कम दो एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और वो एबल हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उस लिगेंड को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए अभी भी चर्चा किए हैं कि CH2 है CH2 के बगल में NH2 है इसके बगल में भी NH2 है और यहाँ पर क्या है मेटल है यहाँ पर लोन पेयर है इधर भी दे रहा है यहाँ भी लोन पेयर है ये भी प्रोवाइड कर रहा है तो दो एटम है और दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग अभी इसका नाम ईएन बोले थे EN is क्या? What is EN? EN is chelating. EN क्या है हमारा? एक प्रकार का एग्जांपल हो गया. इसका एग्जांपल हो गया. एग्जांपल ऑफ chelating ligands का. Chelating ligands का एक एग्जांपल उसको हम लोग देखिए. तो इसमें ऐसे कर सकते हैं. What is chelating ligands? दिमाग में गया होगा कि दो स्पेसिफिक ligands. दो स्पेसिफिक ligands. उसमें एक More than one atom having lone pair of electron. और दूसरा इसमें two or more than two coordinate bond attached with central atom. वैसे लिगेंड को हम लोग क्या कहेंगे बोलेगा कहेंगे चिलेटिंग ये बी हो गया सी में बहुत जगह एक पूछता है इसका बी का सी में कैपिटल सी में हम देखेंगे लिगेंड की चिलेटिंग
लिगेंड्स में ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज एमबी डेंटेड लिगेंड्स, व्हाट इज एमबी, इसको सीक्वेंस में की कंफ्यूजन ना हो, ये तो बी का नोट कर लिए होंगे, तो सी में हम लोग दिमाग सेट करना है, जो भी लिखे हैं दिमाग में होगा कि मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम के पास लॉन्ग पेयर है, लॉन्ग पेयर देख रहे हैं, और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, हम बोलेंगे ईएल मेरा एक कैसा लिगेंड है, टीए लिगेंड है। अगर हम लोग इसमें सी पॉइंट में अगर पूछ दिया जाए एमबी डेंटेड लिगेंड क्या है, एमबी डेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, तो नाम से क्लियर है एमबी, एमबी मींस होता है बोथ एम्फीबिया, व्हाट से यूजफुल हुआ होगा जानते होंगे, ये इसमें कहा जाता है ये स्पेशल टाइप का क्या है लिगेंड्स से जो बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं इस प्रकार करके। तो क्या यूज करते हैं लिगेंड्स में, इसमें कम से कम दो पोटेंशियल डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल डोनर एटम, जैसे आप अगर ऐसे जाने तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर वन उसका नाम है नाइट्रीटो, इसका दो फॉर्म है, एक फॉर्म होता है कि एन के साथ डबल बॉन्ड ओ और एक साइड में ओ के साथ ऊपर माइनस हो, तो अगर ये माइनस दो एटम है यहाँ पर लॉन्ग पेयर है, तो यहाँ पर अगर ये मेटल को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, तो इसका नाम दो एटम पोटेंशियल है, दोनों के पास क्षमता है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया नाइट्रीटो ओ। और अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर एन के साथ डबल बॉन्ड ओ है और ऑक्सीजन तो माइनस है लेकिन कौन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर, इस मेटल को ये लॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, लॉन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो। तो ऐसे इस तरह के लिगेंड को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, इस तरह के लिगेंड का क्या नाम है, एमबी डेंटेड। एमबी डेंटेड लिगेंड में क्या डिफाइन कैसे करेंगे, ये दोस काइंड ऑफ लिगेंड इन व्हिच टू डिफरेंट पोटेंशियल में एक्टिव हो गया, पोटेंशियल याद रख लिया, डोनर एटम एंड या बट कर दीजिए, बट आउट ऑफ टू डोनर एटम ओनली वन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम एट ए टाइम सच लिगेंड इज नोन एज व्हाट एमबी डेंटेड इसके बारे में जान लीजिए, ये भी है। और आप लोग एग्जांपल नंबर टू में एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इसको शो अपने से करिएगा, ये होमवर्क आता होगा, ये एसडब्ल्यू हुआ, एसडब्ल्यू बना के कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइए कैसे इसको, जैसे इसको शो किया है ना इसका भी शो करना है एसडब्ल्यू करके, यहाँ पर एसडब्ल्यू दे दी। अभी हम तीन तरह के लिगेंड्स में देखिए, लिगेंड्स में एक लिगेंड्स आता है उसके बारे में भी आप बताइएगा, इसमें इसके लिए भी होमवर्क दे देते हैं। एक लिगेंड में एक होमवर्क है डीएमजी करके, कॉम्पिटिशन में काफी जगह पूछता है कि किस तरह का लिगेंड से, ये बताना है आपको। और एक है ओएक्स का, ये दोनों लिगेंड्स के बारे में, ये होमवर्क नंबर हो गया वन, ये होमवर्क नंबर हो गया टू, ये होमवर्क नंबर हो गया थ्री, ये सब बना के आप जरूर कमेंट बॉक्स में आपको
देखें कैसे डालें, जो पढ़े हैं उसी हिसाब से आप इसको डालना। तो इसके हिसाब से अभी हम लोग जान लिए लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स क्या है जान गए, और सेंट्रल एटम क्या है इसको जान गए। इसके बाद तीसरा जो आपका टॉपिक था, जो अभी टर्म्स के साथ लिखाए थे, उस तीसरे टर्म्स में नाम था उसका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं सीएन। इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, आप इसमें नोट कर लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखिए ये भी सिंपल सा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसमें सिंपली हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा है। तो ये कहता है कि एक सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल है, उससे जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा हो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा गया। नहीं समझ में गया होगा, अब फिर हम एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर अब हम लोग अभी लिखे थे कौन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में तो समझ जाइएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या है, इसको शॉर्ट में हम लोग सीएन कहेंगे। तो अभी जो बताए थे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, किसका एटम, लिगेंड्स का एटम जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से जुड़ा हो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर आपको ऐसे एग्जांपल कोई दे दे AgNH3 का होल टू, कॉपी से वाले समझ गए होंगे ये किसका फॉर्मूला है ना, ये जानते हो किसका फॉर्मूला है कॉम्पिटिशन वाले, इसका किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टॉलेंस रिएजेंट्स का। अगर ये टॉलेंस रिएजेंट हम लोग के पास है तो इसमें इसका क्या होगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाएंगे, Ag जो है वो अमोनिया, एक अमोनिया इधर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, एक अमोनिया इधर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों नाइट्रोजन से सिल्वर जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका कंप्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। फिर अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल 4, कहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे बताएंगे, या यहाँ पर कुछ प्लस कर दे, 2 प्लस कर दे, 3 प्लस कर दे, तो हम लोग इसको 2-3 सम करें, मतलब है हमको मतलब है किससे, लिगेंड से, यहाँ अमोनिया है, यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर के साथ कितना अमोनिया है, 4 है, अमोनिया जानते हैं NH3 है, तो यहाँ NH3 का N जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कितना NH3 है, 3 NH3, इसका भी N बना रहा है, इसका भी N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसका भी N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 0.4 हो गया। इसी प्रकार अभी अभी हम लोग पढ़े थे या फिर देखे थे कि बहुत जगह CO करके EN का 4-3 कर दे, अब पूछेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो ये नंबर हम देख लिए 4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, ये देख लिए 2, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया, यहाँ देख लिए 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, सुनिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखना है क्या, EN है, EN का भी हम लोग पढ़े हैं कि CO के साथ जब EN होगा तो EN का भी एक स्ट्रक्चर होता है, वो इस प्रकार CH2 है, CH2 के साथ क्या हो गया NH2, फिर CH2 है, CH2 के साथ क्या हो गया NH2, अब N पर लॉन्ग पेयर है, N पर लॉन्ग पेयर है, ये पूरा मिला के एक ही N हुआ, तो इधर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, नहीं बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो एक ही N कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, 2 कोऑर्डिनेट, 2 दे रहा है, कितने EN है यहाँ पर, 3 EN है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसका ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार होगा, यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं NH2, फिर यहाँ से CH2 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर CH2 डाल देते हैं, यहाँ पर NH2 और डाल देते हैं, तो एक EN तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, एक यहाँ से भी बन गया, फिर अलग एक और EN ले लेते हैं, एक EN के लिए फिर ऐसे देख लेते हैं CH2 के साथ NH2 है, फिर CH2 के साथ क्या है NH2 है, ऐसे क्यों हम बना रहे हैं, इसका ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो देख रहे हैं कि CO को कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 6 होगा।
तो हम इसी शब्द को डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज अ नंबर. तो इसमें लिखेंगे द नंबर, नंबर ऑफ एटम, एटम ऑफ लिगेंड दैट डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच विथ, किसके साथ, विथ सेंट्रल एटम सच स्पेसिफिक नंबर, नंबर इज नोन एज, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. इस स्पेसिफिक नंबर का क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जाएंगे, एग्जांपल नंबर मेरा क्या हो गया, एग्जांपल इसको वन कर दीजिएगा, इसको एग्जांपल टू कर देना है, इसको एग्जांपल थ्री करना है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद एक है टर्म अभी बताए थे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसको स्फीयर भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहा जाता है. यहाँ पर हम एंटिटी भी कह सकते हैं. ये क्या है, ये देखो सिंपली है, इसको ज्यादातर दिमाग में सेट कर लेना है कि बड़ा ब्रैकेट जो है, बिग ब्रैकेट जो है, उसमें मेटल रहेगा और क्या रहेगा, लिगेंड्स. इस दोनों के जो नंबर हुए उसके संख्या जो जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ऑल दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी. तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पेसीज प्रेजेंट प्लस एंटी, यहां पर देखें क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन. अब एग्जांपल तौर पर देख लीजिए, जैसे अभी अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, CO है NH3 का होल 6, पूछे गए इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन हुए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन हो गए, कोबाल्ट हो गए और क्या हो गए, अमोनिया हो गए. तो इसका संख्या अगर पूछ सकता है, एक कोबाल्ट है तो इसका, और यहाँ पर 6 अमोनिया है तो 1+6 यहाँ पर 7 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज पाया गया. इसके बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट के अंदर जो भी है, एल फॉर व्हाट, एल फॉर लिगेंड, एम फॉर आप जानते ही हैं, एम फॉर हो गया क्या, मेटल्स, इसके बारे में कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बारे में बताया. इसी से निकल जाता कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसी टर्म से निकल गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. सिक्स नंबर, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, हेड्रॉन, इसके बारे में जानना, ये क्या होता है इसके बारे में जानना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉलीहेड्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्यों इस टर्म को पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन तो जानते हैं, इसका यूज किया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस. तो क्या कहता है, अभी देखें कि मेटल जो होता है लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं निगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसके बगल से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर अगल बगल ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सर होगा, इलेक्ट्रॉन देने में इस लिगेंड को, मेटल को देने में दिक्कत होगा, दिक्कत होने से स्टेबिलिटी इसका घाट जाएगा. तो पॉलीहेड्रॉन का मतलब ऐसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कीजिए मेटल को कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सर कम हो, मैंने स्टेबिलिटी इसका क्या हो, ज्यादा हो, उससे जो आपका स्पेस में जो कंस्ट्रक्शन, जो फिगर जनरेट होगा, उस फिगर का नाम हो गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. ओके, उम्मीद करते समझे होंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है ML6, ML6 कॉम्प्लेक्स है, आप इसका कैसे प्रोवाइड करेंगे. तो हम लोग देखा गया है कि ये अगर हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लिगेंड को मेटल से इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज रहता है, इस प्रकार में बहुत ज्यादा स्टेबलाइज रहता है. तो ये जो स्पेस, ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो फिगर बन गया, इस फिगर का नाम आप जानते होंगे, इस फिगर का नाम है ऑक्टाहेड्रल, 11th में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ठीक है. उसी प्रकार अगर हमारा ML4 में दो प्रोबेबिलिटी बनता है, ये दो प्रोबेबिलिटी बने कहने का मतलब कि एक हो सकता है ऐसे, जिसका आप नाम सुने, बहुत फेमस नाम है टेट्राहेड्रल,
शॉर्ट में हम लोग टीडी करते हैं, और दूसरा का नाम है स्क्वायर प्लेनर, शॉर्ट में इसको हम लोग एसपी करते हैं। दोनों चार में हो सकता है, तो आप कैसे कब होगा इसके आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करना है, लेकिन अभी फिगर में आप ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर टेट्राहेड्रल बनाते हैं तो जो बैठ पड़े हैं ये अबव द प्लेन, ये दोनों ऑन द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ऐसे अरेंज करेंगे बच्चों। इस पर खास इसका बॉन्ड एंगल भी होगा, खास इस पर जनरेट हुआ चीज याद हो, क्या हो गया टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेन में क्या हो गया, मेटल है, मेटल लिगेंड से प्रोवाइड किया, ये लिगेंड दिया, ये भी लिगेंड यहाँ से दिया, ये भी लिगेंड यहाँ से दिया, स्क्वायर टाइप बन गया, इसका नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर क्या हो गया, प्लेनर का इसका फॉर्मेशन। तो इस प्रकार ये भी एक कॉर्डेशन पॉलीहेड्रॉन बन गया। उसी प्रकार थाई में भी बन सकता है, अगर आपका एम एल फाइव होगा तो जनरल कंडीशन में, जिसका हाइब्रिडाइजेशन आप जानते होंगे कि अगर एस पी थ्री डी आएगा तो क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है एम है, एम के साथ यहाँ पर इस प्रकार एल आर, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग एल दे देते हैं, ये भी एल कर देते, इसका नाम हो जाता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामीटर, बाई पिरामीटर शॉर्ट में हम लोग इसको करते हैं टी बी। तो ये तीन चार दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट होता है, उसको अब आगे भी पढ़ना हो डीबीटी थ्योरी डीबीटी पढ़ेंगे उसमें इसको डिस्कस करना। तो आप कैसे आप समझ गए होंगे, क्या समझे हैं कि लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल्स को, तो इस और इस तरह देगा कि रिपल्सन कम हो जाए, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए, उससे जो स्ट्रक्चर जनरेट हुआ उस जनरेटेड स्ट्रक्चर का नाम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन स्ट्रक्चर। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर जनरेटेड बाय लिगेंड, लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इन स्पेस टू मिनिमाइज repulsion and extend stability such generating a structure in a space is known as coordination polyhedron, polyhedron example के तौर पर आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, example number one ये हो गया, example number two इसको लिखा देना है, example number three इसको लिखा, ये लिखा दीजिएगा, इसको नोट करना है। अब सबसे जो वाइटल टॉपिक है इसके बारे में, ये शायद आपका फिफ्थ पॉइंट होगा, सिक्स्थ नहीं होगा, ये हो गया फिफ्थ होगा, सिक्स्थ में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, नाम हो गया कौन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको शॉर्ट में हम लोग ओएन करेंगे, क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जब ऐसे कॉम्प्लेक्स हुआ इसमें मेटल का क्या स्थिति है, मेटल किस क्या अनुभव कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का कमी अनुभव कर रहा है, क्या उसका जितने ऑर्बिटल उसके पास, जितने उसके पास घर है, जितने उसके पास कमरे है, क्या उस कमरे में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो कितना का कमी महसूस कर रहा है, वो जो स्थिति बताता है सेंट्रल मेटल का जो दशा बताता है किसी कॉम्प्लेक्स में, जो चार्ज बताता है उस चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, कौन नंबर कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका सिंपली हम कहा जाए व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन
सेंट्रल एटम आफ्टर रिमूविंग लिगेंड आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड कंप्लीटली completely such point charge on central atom is known as what oxidation number this number yaad rakhiyega baar represented in Roman numeral after the symbol of central atom that is parenthesis जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको देख लें एग्जाम्पल के टर्म में एग्जाम्पल है जैसे आयरन है तो आयरन पर अगर दो चार्ज हुआ आयरन से टू लिखेंगे और उसको स्मॉल ब्रैकेट में से दिखा देंगे इस प्रकार इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को सेंट्रल मेटल्स के अब हम लोग किसी ऑक्सीजन नंबर को निकाल के देखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं जैसे रोड फेमस कॉम्प्लेक्स है हमारा Fe है CN6 हो गया अगर यहाँ पर 4 माइनस कर दिया पूछेगा इसमें सेंट्रल मेटल कौन हुआ आप जान गए होंगे आयरन हुआ इसका कितना हुआ तो हम लोग कैसे निकाले तो हम लोग पहले लिखेंगे निकाल तरीका है ना लेट अस कंसीडर मान लीजिए कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन कॉम्प्लेक्स इज एक्स ऐसे मान लेते इज एक्स कर दिए अब ये एक्स के अब हम लोग जानते हैं हेयर ये ध्यान रखना पड़ेगा हेयर CN साइनाइड है इस पर माइनस वन होता है माइनस चार्ज होता है ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा CN माइनस इज मोनो एक है मोनो डेंटेट लिगेंड जिसको यूनिडेंटेट कहते हैं मोनो में एक हो गया मोनो डेंटेट लिगेंड और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए कितने लिगेंड हैं छः नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं छः है और यूनिट इस पर कितना यहाँ चार्ज नहीं दिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट एंटेंट है एक माइनस है तो देयर फोर और चार्ज कितना है चार्ज ऑन किस पर स्फीयर कितने हैं चार्ज स्फीयर फोर माइनस अगर माइनस फोर ऐसे करके लिख देते हैं अगर ओवरऑल फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऐसे लिखेंगे देयर फोर एक्स एक्स निकाल लिए इस पर सी एन पर कितना माइनस हुआ वन माइनस प्लस बीच में नहीं पूछे हम प्लस देंगे ऑक्सीजन नंबर रिडॉक्स में पढ़ाए थे जिस पर निकालना है उसको एक्स मानेंगे बगल वाले को कितना आया माइनस वन तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया सिक्स है तो यहाँ सिक्स कर देंगे और जो ओवरऑल चार्ज होता है स्फीयर के ऊपर इक्वल टू में कितना हो जाएगा कितने फोर है माइनस फोर हो गया तो माइनस फोर यहाँ आ गया अब हम लोग इसको काउंट कर ले एक्स इक्वल टू माइनस फोर और यहाँ आया तो क्या हो गया माइनस सिक्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस सिक्स हो गया एक्स इक्वल टू कितना हो गया प्लस टू देयरफोर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आयरन किस स्टेट में है आयरन प्लस टू स्टेट पर पैरेंथेसिस के फॉर्म में यहाँ ऊपर में भी हम इसे टू कर सकते हैं किसी कंप्लेक्स का हम निकाल सकते हैं जैसे अगर पीछे कोई नंबर दे दिया है सपोज के लिए यहाँ दे दिया है के थ्री दे दिया है और उसके साथ अगर हमको एफ ई ए का दे दिया है सी एन सिक्स से दे दिया या सी एल सिक्स सी एल दे दिया
Cl6 कोई से कौन हमको समझना है कैसे चार्ज है। अब यहाँ पर हमको निकालना है कि इसी आयरन का सेंट्रल एटम तो ये तो नहीं है, इसको आप दिमाग में ये रख लीजिए जो बाहर जो एटम्स आते हैं लेफ्ट टू राइट जो भी आते हैं इसका एक नाम, ये तो सेंट्रल एटम हो गया, इसका नाम हो गया काउंटर आयरन। क्या नाम हो गया? काउंटर आयरन, चाहे इस साइड में थायराइड साइड में काउंटर आयरन। इसका इसकी ये कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स कंपाउंड का ये पार्ट नहीं है, लेकिन जो इसका चार्ज है वो चार्ज हम लिखेंगे। यहाँ चार्ज यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पोटासियम जानते हैं प्लस वन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है 2881, तो प्लस वन इंटू थ्री हो गया। इसका निकालना है तो फिर इसे एक्स लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे बहुत अच्छा, नहीं लिखेंगे ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। एक्स हो गया, सी एल आप जानते हैं सी एल का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो 287 हुआ। स्टेबल के लिए इसको कितना चाहिए, वन इलेक्ट्रॉन, तो माइनस वन कर देंगे तो माइनस वन कितना है सी एल इंटू क्या कर देंगे सिक्स, सब मिला कितना चार्ज हो जाएगा, इस पर तो कोई चार्ज ऊपर में नहीं है, इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो, ये इसका जीरो हो गया। अब हम लोग एक्स निकाल लेते हैं तो यहाँ पर तो माइनस सिक्स हो गया और यहाँ पर क्या थ्री हो गया, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस थ्री हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री हो गया। तो इस पे रूल के हिसाब से यहाँ पर इस आयरन पर देख लीजिए, इस आयरन पर यहाँ पर थ्री आ गया, जबकि वही आयरन इस केस में था फर्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर ये वन है, एग्जाम्पल नंबर ये टू है, इसमें यहाँ पर थ्री आ गया, यहाँ पर टू आ गया। इसीलिए चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि आपका काउंटर आयन क्या है, आपका लिगेंड्स कैसा है, ओवरऑल चार्ज क्या है, सभी मेटल आप उसमें चेंज करते रहते हैं। तो ये इसी प्रकार बहुत सारा बातें हम लोग देखेंगे, किसी अलग कॉम्प्लेक्स का भी निकाल कर तो देख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स का, जैसे एग्जाम्पल थ्री भी आपको बता देते, राइट साइड में रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे सी ओ है, एन एस थ्री है, एन एस थ्री का क्या कर दिया आपको होल सिक्स कर दिया, यहाँ सी एल थ्री कर दिया। अब पूछ रहा है कोबाल्ट का कितना होगा, तो निकालेंगे कैसे, एक्स है, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल है, पूरे मॉलिक्यूल का होता है जीरो, ये ध्यान रखना है मॉलिक्यूल कितना होता है जीरो। तो यहाँ इसका ओवरऑल चार्ज इस पर क्या है जीरो, तो जीरो इंटू क्या हो गया सिक्स, और क्लोरीन पर फिर देखे हैं कितना आएगा माइनस वन, माइनस वन इंटू थ्री, सब मिला ओवरऑल तो कोई चार्ज इस पर नहीं है, नहीं है तो जीरो। तो यहाँ एक्स बराबर उधर चला गया, इसको सॉल्व इधर जीरो हो गया, ये माइनस थ्री हुआ उधर गया तो क्या होगा प्लस थ्री, देयरफॉर लिखेंगे कोबाल्ट यहाँ पर। अब एक छोटा सा टर्म है आपका, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो टर्म हम लोग का है उस टर्म पे इस पे गौर कीजिएगा, वो टर्म क्या है, अभी सातवां जो था इसका लिख दिए थे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो ध्यान रखना है इसमें है ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक ही तरह का लिगेंड अगर होगा तो नाम हो गया होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे CO है और H2O का अगर होल फाइव है या होल सिक्स है, अगर कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और यहाँ पर अगर BR3 दे दिया तो देख रहे हैं बाहर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको कॉम्प्लेक्स लिगेंड कौन हो गया, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड वाटर है, सभी का सभी छह वाटर मॉलिक्यूल, सिक्स वाटर मॉलिक्यूल है, देयरफॉर ये ऑल लिगेंड्स लिगेंड्स आर क्या वाटर, सभी वाटर है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज व्हाट, इट इज होमोलेप्टिक, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर कहीं पर लिगेंड्स चेंज कर दिया जाए, जैसे आप वैसे चेंज कर सकता है, जो एक टर्म में आ गया उसका नाम है हेटरोलेप्टिक, हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है इसके बारे में आप लोग जानेंगे, ये हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लीजिए CO है, इसके साथ अमोनिया ही डाल दिया, अमोनिया 3 दे दिया, Cl3 डाल दिया, ऐसे करके कोई कॉम्प्लेक्स डाल दिया। अभी देख रहे हैं यहाँ दो तरह दो लिगेंड, ये तो सेंट्रल मेटल हुआ, अमोनिया 3 हो गया, क्लोरीन भी 3 है, दो टू टाइप ऑफ लिगेंड लिखेंगे हेयर, टू टाइप ऑफ लिगेंड्स इज प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है, टोटल लिगेंड्स आर प्रेजेंट, यस आर प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज टू टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, लिख देना है ब्रैकेट में कौन कौन सा लिगेंड है, एक अमोनिया है 3, अमोनिया भी 3 है और क्लोरीन भी 3 है, दोनों 3 है, इसे इट इज हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटरोलेप्टिक ये हमारा क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी हम लोग आज
अभी खत्म किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। इस बात वीडियो को बार बार चला चला के रिपीट करके देखिएगा, बहुत बेसिक्स जानकारी आपको निश्चित होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप निश्चित इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।